महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर राज जारी है। फिलहाल रैली के आयोजन को लेकर बृहन्मुंबई नगर पालिका की तरफ से अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है। अब खबर है कि शिवसेना के दोनों गुटों का आवेदन खारिज किया जा सकता है। खास बात है कि बीएमसी पर दो दशक से ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के चलते फिलहाल इसकी कमान राज्य प्रशासक के पास है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि दोनों पक्षों की याचिका खारिज हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दोनों समूहों को किसी एक अन्य जगह पर रैली के लिए कहा जा सकता है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना में हालात बदल गए हैं। शिंदे कैंप असली शिवसेना होने का दावा कर रहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुनगंटीवार ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की मांग की है। मेरा मानना है कि पार्टी चिन्ह उसके सदस्यों का होता और किसी एक की संपत्ति नहीं। अगर एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन है तो उनके पास चुनाव चिन्ह पर दावा करने का अधिकार है। वहीं मुनगंटीवार ने आगे कहा कि चुनाव चिन्ह ऐसी संपत्ति नहीं है जिस पर बाहरी लोग दावा नहीं कर सकते। भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि नगर निकाय दशहरा रैली के लिए सभी आधार को अवरुद्ध कर रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा, राज्य सरकार ने किसी भी आधार को अवरुद्ध नहीं किया है, नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।